अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज की वीडियो। और आज आपको दिखाते हैं परफॉर्मेंस YTO 604 की स्पेशल हल है, तीन कोड़े हल है आप जिस पे आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितने गहरे हैं। अच्छा जी, ये इसके कूड़े हैं और ये काफ़ी बड़े हैं, तीन से चार फुट तकरीबन है, 3.5 फुट तो पक्के हैं ना। और ये अब इसको कहते हैं ड्राइवर को कि लगाए, ये शोएब है हमारा ड्राइवर, कम एज के हैं। चलो जी शुरू करो। कौन सा गियर लगा रहे हो, चौथा लो? ठीक है जी, चौथे लो में इसकी देखते हैं परफॉर्मेंस। फोर व्हील में है जी, फोर व्हील चल रहा है। वाह ज़बरदस्त, कमाल परफॉर्मेंस यार। स्पीड आहिस्ता मैंने स्पीड आहिस्ता किए ताकि, चलो खींचो। ज़मीन को पता चल रहा है कि कुछ चल रहा है बीच में, बहुत हैवी काम हो रहा है। सामने देखें इसके, ये इधर से देखें जरा, ज़मीन बिल्कुल मूव कर रही है। मकई की प्रिपरेशन करें, बिल्कुल करीब तो नहीं लगा रहे हल, लेकिन थोड़ा ना वक्फा दे के लगाई जा रहे हैं। और ये देखें, बैर कटें कोड़ बैर कटें, फुल बैर कट, फॉल उते कर। हाँ ये देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त जालिम परफॉर्मेंस आ रही है इसकी। चलो डालो बीच में ज़मीन में डालो, खींचो। ये आप दोबारा से इसको देखो कैसे अंदाजा, ज़बरदस्त। थले आए से, ज़बरदस्त। बस जी ये इतना थोड़ा सा बीच में फासला छोड़ रहे हैं, ये जहाँ पे इसका एक कूट जा रहा है और एक इधर दूसरी जो चक्कर था यहाँ से था, और थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ी है। मैंने खुद भी लगाया है और काफ़ी कंफर्टेबल है ट्रैक्टर चलाना ये वाला, इसमें आपको तंगी नहीं होती है लीवर को बार बार एडजस्ट करें, बस एक जगह आपने एडजस्ट कर दिया पोजिशन कंट्रोल में तो ये खींचता जाएगा इसको। ये आ रहा है जी YTO 604 4x4 इसमें लगा हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी 4x4 वर्किंग है। 60 हॉर्स पावर है, इसमें थोड़ा सा वक्फा छोड़ते जा रहे हैं। पर्पज़ ये है कि जी ज़मीन के अंदर हार्ड पैन को तोड़ें और इधर मकई लगाने लगे हम, साल में एक दफ़ा ये लगाते हैं। अभी इसके बाद मकई के बाद राइस लगाएंगे, उसमें बस डबल डिस्क लगा के पानी छोड़ देंगे और इसके ऊपर फिर राइस लग जाएगा इंशाल्लाह। अभी मकई लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आज इसका फाइनल है, इसके बाद हम लैंड लेवलिंग करवा रहे हैं, लेज़र के बाद फिर एक हल दे देंगे और उसके बाद एक रूटावेटर, तो फिर खेले निकाल देंगे।